अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे मैं आपके साथ, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मैं आपके साथ वाइटनिंग जो डॉक्टर रशील है उसकी क्रीम्स के बारे में आपके साथ रिव्यू करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी, तो रिव्यू आपके साथ जो भी है शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं वही क्रीम्स लेने आई हुई थी कि मुझे वाइटनिंग क्रीम चाहिए थी अपनी स्किन के लिए, कोई मेडिकेटेड कोई क्रीम चाहिए थी। तो मैंने विज़िट किया तो यहाँ पे मेडिकल स्टोर पे आई थी तो मुझे डॉक्टर रशील की क्रीम्स यहाँ से मिली और रीज़नेबल प्राइस में मिली, क्योंकि बाकी जो क्रीम्स है बहुत ही महंगी होती है और इनकी रीज़नेबल प्राइस थी। तो यहाँ पे ये जी डे क्रीम है जो कि आपकी स्किन को वाइट नहीं करती, आप एज अ बीपी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, एज अ बेस क्रीम, एज अ बेस लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाइट नहीं करती, ये वाइट स्किन वाइट नहीं करती, वो दूसरी तरह का वाइट करती है। अब जो नाइट क्रीम है वो आपकी स्किन को ना वाइट करेगी। तो इससे ये होता है, अगर आप डे क्रीम लगाते हैं ना डॉक्टर रशील की, तो इसे आपको सन ब्लॉक लगाने की नहीं ज़रूरत पड़ती है, आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। तो ये इसका सीरम है, ये इसको लगाने से आपकी स्किन पे जो एक चिपचिपाहट होती है ना वो नहीं होगी, आपके ओपन पोर्स बंद कर देगी और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट कर देगी। एक पूरा पैकेज है कि आप इसके साथ आपको क्लिनजिंग भी मिलेगा, आपको सीरम भी मिलेगा, आपको डे क्रीम वाइट क्रीम भी मिलेगी। आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर ये पूरा सेट लेना चाहते हैं या आप सिंपल बस नाइट या डे क्रीम ही लेना चाहती हैं। मुझे जो पर्सनली पसंद आई ना वो इसकी जो है ना वो डे क्रीम पसंद आई है, कि आप इसको अगर लगाएंगे एज आ बेस लगाते हैं तो आपको बेस भी लगाने की कम ही ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आजकल जैसे सूरज की शुआएँ बहुत तेज़ हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, तो हमें जो है क्रीम अलग-अलग लगानी पड़ती है और सनब्लॉक हमें अलग-अलग लगाना पड़ता है। तो उसके लिए इसमें ये है कि इसमें सब कुछ ही मौजूद है, आपको सनब्लॉक्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरी नहीं कि हम लोग चूल्हे के हम लोग सूरज के आगे जाएं तो ही हमें सनब्लॉक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं। हम जब चूल्हे के पास जाते हैं, हम कुकिंग करते हैं तो हमारी स्किन के अंदर हीट चले जाती है, उसके लिए भी हमें सनब्लॉक लगा के चूल्हे के पास जाना चाहिए। तो उसके लिए भी ये बेस्ट है कि हमें अलग से सनब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप ये रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि मैंने वो जो डे क्रीम है ना वो लगाई है तो इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा है कि हमें बेस भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप लोग मैं अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं आप लोगों को कहूँगी ये आप लोग यूज़ ज़रूर करें, या हर स्किन टाइप के लिए, चाहे वो ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, हर स्किन के लिए। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, एक दफ़ा तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। ये क्लिनजिंग मिल गया, ये भी देखें कितना ठीक है, और आप इसको पानी लगा के और आहिस्ता आहिस्ता से इसको अपने फेस पे लगाएंगे तो स्किन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बढ़ के ये कि इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, हम लोकल क्रीम्स यूज़ करते हैं तो उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा शॉप से भी बाय कर सकते हैं या कीजिएगा। तो यहाँ पे लाइमलाइट के जो कपड़े मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, बहुत ही अच्छा स्टाफ, बहुत ही अच्छे प्रिंट और कलर्स भी बहुत अच्छे, क्योंकि मैं पहले तो कभी नहीं गई थी, तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं शेयर करूँगी, तो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।